वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अगर तो आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा इंस्टाग्राम पेज है जिसका नाम है इंडियन कपल इन जापान, उसे फॉलो कीजिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी, आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं कभी भी, किसी टाइम भी। बट ऑब्वियसली जब मेरे पास टाइम होगा मैं आपको उस समय रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला रिसेंटली। मैं बहुत बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, कुछ फैमिली मैटर्स भी थे, प्लस मैं जॉब में भी बहुत ज़्यादा बिजी था तो मुझे टाइम नहीं मिला। आज मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक नई वीडियो शेयर करूँ। तो आज के जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि आप अपने स्पाउस को, लेट्स से अपनी वाइफ को, आप इंडिया से जापान कैसे बुला सकते हैं, ठीक है। उसका प्रोसेस क्या है और क्या प्रोसीजर है उसका बेसिकली, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों के साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, तो यहाँ पे जो स्पाउस वीज़ा की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है आपका COE, ठीक है, जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ठीक है, याद रखना सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है COE, ठीक है। और दूसरा होता है टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने अपनी वाइफ को कैसे बुलाया था यहाँ पे, जो इजीएस्ट वे था उस वे में मैंने अपनी वाइफ को बुलाया था। क्योंकि मैंने देखा कि लोग COE के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, पर उसका ना प्रोसीजर थोड़ा लेंदी है, उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बुलाया था, मैंने टूरिस्ट वीज़ा को बुलाया अपनी वाइफ को, ठीक है। टूरिस्ट वीज़ा का फ़ायदा ये होता है कि वो आपका बहुत जल्दी लग जाता है, प्लस उसको आप अपना डिपेंडेंट वीज़ा में भी इजीली कन्वर्ट करवा सकते हैं बहुत जल्दी ही, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए बेसिकली क्या चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जो मेरा जब मैंने किया था तो उस समय जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे मैं सब आप लोगों के साथ विषय करूँ। तो देखो, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है, और जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, ठीक है। ऑब्वियसली आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और ट्राई करिएगा कि आप अपनी कंपनी को बोलो कि उसमें सैलरी भी लिख दें, ठीक है। बेसिकली अगर वो सैलरी नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, बट एक प्लस पॉइंट काइंड ऑफ थिंग होता है उसमें अगर वो सैलरी लिख दें तो, ठीक है। तो उसका एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। दूसरा आपको चाहिए खाजे एंड नोजे शोमेशो, ये टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, ये आपको अपने शियाक्षो से पता चल जाएगा, या जिसे आप कुयाक्षो बोलते हैं, ठीक है। जैसे लेसे आप, मैं एग्जांपल तो बता रहा हूँ, अगर आप ले रहे हैं इच्छी कवा शी, तो जहाँ पे शी आ गया वो आ गया आपका शियाक्षो, ठीक है। अगर आप ले रहे हैं एदो कवा कु, तो कु आ गया ना, वो हो गया कुयाक्षो, ठीक है। तो आपका जो वार्ड ऑफिस होता है जिसे बोलते हो, ठीक है, वहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, खाजे शोमेशो एंड नोजे शोमेशो, ठीक है, ये जरूर निकलवाना वहाँ से, ठीक है। तीसरा आपको चाहिए अपना जुमिनहो, ठीक है। जुमिनहो क्या होता है, जुमिनहो होता है आपका रेजिडेंट प्रूफ कि आप जापान में रह रहे हैं, आपका ये रेजिडेंस प्रूफ है यहाँ पे, ठीक है। वो भी आपको अपना शियाक्षो से मिल जाएगा इजीली। ये जो शियाक्षो से मैं आपको डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट के 300 येन लगते हैं, 300 येन, ठीक है। तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव तो है नहीं ऑब्वियसली, तो ये निकालेंगे। तो उसमें क्या होता है कि फिर आप जाइए, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे, वो एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करके उसे आप प्रिंट कर लो, ठीक है। प्रिंट करने के बाद उसे हैंड रिटर्न में भरना है, हैंड रिटर्न में भर लो। लेकिन उसमें अब ऑप्शन ये भी आ गया है कि आप उसे आप ऑनलाइन भी भर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन मुझे पसंद नहीं आता, मैं हैंड रिटर्न ही सब कुछ करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या, वो एप्लीकेशन फॉर्म आप जब भर दोगे तो उसमें ना एक जगह एक कॉलम है रीज़न का, तो उसमें ऑब्वियसली रीज़न जेन्युइन रीज़न है कि शी इज़ योर वाइफ, वो जापान आना चाहती है, वो आपके साथ रहना चाहती हैं, ठीक है। या अगर टूरिस्ट वीज़ा बुला रहे हो तो ऑब्वियसली आपने ये सुनी लिखना, आपने टूरिस्ट वीज़ा को बुलाने के लिए तो आपने ये चीज़ लिखना है कि टूरिस्ट वीज़ा जो है उसके लिए वो यहाँ पे जापान घूमना चाहती हैं, उन्हें जापान का कल्चर पसंद है, तो वो थोड़ा टाइम ये सब भी स्पेंड करना चाहती हैं, ऐसा आपने एक सिंपल सा एक रीज़न लिख देना है, ठीक है। अब इसे मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ आपने इसमें बनानी है उनकी आइटनरी, ठीक है। अब आइटनरी क्या होती है, आइटनरी होती है कि वो जापान आएंगे तो कहाँ कहाँ घूमेंगे, वो टूरिस्ट वीज़ा पे आ रही है ऑब्वियसली, तो जापान गवर्नमेंट को भी तो देखना है ना कि वो टूरिस्ट वीज़ा पे आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके लिए आपको एक आइटनरी बनानी पड़ेगी। वो सिंपल होती है, इसका भी फॉर्मेट आपको वहाँ पे वेबसाइट में मिलेगा। मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे सारा लिंक दे दूँ कि कहाँ से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और कहाँ से ये आइटनरी का जो फॉर्मेट वगैरह सब आपको मिल जाएगा वहाँ पे ना, ठीक है। तो उसमें सिंपल सी चीज़ आइटनरी के, लेट्स से वो आ रही है 30th ऑफ अक्टूबर, ठीक है, 30 अक्टूबर को आई,
और उन्होंने लैंड किया। नेक्स्ट डे उन्होंने होल डे रेस्ट किया। उसके नेक्स्ट डे आप उन्हें लेके टोक्यो घुमा दिया। उसके 2 दिन उन्होंने रेस्ट किया। उसके थर्ड दिन वो फिर कहीं आप उन्हें कहीं और घुमाने लगे। जैसे आप उन्हें शिबुया घुमाने ले गए, शिंजुकु घुमाने ले गए, शॉपिंग में चले गए, मतलब कुछ भी जो अनाप शनाप आपको लग रहा है ना, सब भर दो। और ट्राई करना कि नॉट ट्राई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये चीज़ ना, ट्राई नहीं बोलूंगा। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी वाइफ को बाद में डिपेंडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर दो यहाँ से, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको ट्राई करना है कि जो आइटनरी आप बनाओ ना वो 40+ डेज की बनाओ। क्योंकि क्या होता है ना कि 30 डेज की आप आइटनरी बनाओगे ना, तो वीज़ा जो है ना, टूरिस्ट वीज़ा, वो 30 डेज का मिलेगा। ये हुआ है मेरे दो फ्रेंड्स के साथ, ऐसा हुआ। उन्होंने 30 डेज की आइटनरी बनाई, तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको 30 डेज का ही टूरिस्ट वीज़ा मिला। ठीक है, मेरे केस में मैंने 45 डेज के आसपास की बनाई थी, तो मेरी वाइफ को टोटल 3 मंथ्स का टूरिस्ट वीज़ा मिला। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, देखो, 3 मंथ्स का टूरिस्ट वीज़ा मिला, उसके बाद 2 मंथ्स तक यहाँ पे अपना घूमे फिरे जो भी है रहे, ठीक है। उसके बाद आप लोग सीधा डिपेंडेंट वीज़ा यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो डिपेंडेंट वीज़ा भी बहुत ईजी होता है, वहाँ पे जाके फॉर्म देते हैं, फॉर्म भरो, सब कुछ करो, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते जो मैंने अभी आपको बताए, वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर दो, तो डिपेंडेंट वीज़ा लग जाता है। ऑब्वियसली आपकी वाइफ है, ठीक है, तो डिपेंडेंट वीज़ा लगेगा ही लगेगा, वो रिजेक्ट नहीं हो सकता, कोई सवाल ही नहीं होता कि वो रिजेक्ट कर दें। कोई ऑब्वियसली कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कुछ और कोई गलत काम किए हैं तो थोड़े वो चांसेस हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो डिपेंडेंट वीज़ा बहुत ईजी लग जाता है अगर आप टूरिस्ट वीज़ा बुला रहे हो तो। COE में क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी में क्या होता है कि उसमें ना सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी निकालने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। वहाँ पे कहते हैं कि मैंने कभी अप्लाई नहीं करा, बट मैंने जो सुना है वो सुना है 3 मंथ्स लेके 1 ईयर तक लगे। लास्ट ईयर मेरे एक फ्रेंड ने अपनी वाइफ का अप्लाई किया, तो उसका ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स लग गए, लेकिन उसके बाद अब कोरोना की वजह से वो भी वहाँ पे फंस गई हैं, नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि कोरोना है तो वो आ नहीं सकती हैं, ठीक है। अब मुझे वो नहीं पता कि उसने फिर से अप्लाई करना है कि वो सेम COE को यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट होती है ऑब्वियसली। तो टूरिस्ट वीज़ा पे बुलाने के बाद डिपेंडेंट वीज़ा आप लोगों ने अप्लाई करना है, याद रखना। अगर आप अपनी स्पाउस को, अपनी वाइफ को आप यहाँ पे अपने साथ रखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली, अगर आप सिर्फ घुमाने के पर्पज से ला रहे हैं तो टूरिस्ट वीज़ा ऑब्वियसली वो तो कोई भी लगवा सकता है, तो वो आप लगवा सकते हैं, ठीक है। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बोले वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उसके साथ, ठीक है। वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, उसे प्रॉपर तरीके से भरना, क्योंकि क्या होता है ना कि आप वहाँ पे इंडिया में बोलोगे तो मैं स्पाउस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। मैंने क्या किया था, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि वहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है, वहाँ पे फॉर्म भर देना और वहाँ पे सबमिट करके आ जाना, ठीक है, वीज़ा के लिए जो वीज़ा ऑफिस है जो। तो उन्होंने डाउनलोड किया, फॉर्म भरा, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती जो उन्हें भी नहीं पता, जो उनसे नहीं भरी गई ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू आती है। वहाँ पे सबमिट करने के, उन्होंने सबमिट करने से मना कर दिया कि आपका ये रेडी नहीं है, ये आपने फॉर्म नहीं भरा, ये नहीं कर, तो बहुत सारी चीज़ें। मैं क्या करता हूँ, मैं कभी भी अपने पेरेंट्स का, स्पाउस तो मेरी अब यहाँ पे है, मेरे साथ रह रही हैं, वो सबको डिपेंडेंट वीज़ा सब कुछ चेंज हो चुका है, सब कुछ हो चुका है वो, तो मैं कभी अपने पेरेंट्स में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को कभी मैं टूरिस्ट वीज़ा बुलाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे फॉर्म अपना डाउनलोड करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, सारा फॉर्म मैं A to Z जो भी होता है सब कुछ खुद भरता हूँ। इवन उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी अगर कोई वो जॉब कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ भी है, तो मैं सब कुछ खुद भरता हूँ। बट जहाँ पे उनके साइन होने होते हैं वो जो जगह है वो मैं छोड़ देता हूँ, वो मैं उनके लिए छोड़ देता हूँ। ऑब्वियसली मैं उनके साइन तो कॉपी नहीं कर सकता और वो लीगल चीज़ नहीं है, ठीक है, तो ये एक फालतू काम नहीं करनी चाहिए। तो उनके वो छोड़ के यहाँ से मैं उन्हें स्पीड पोस्ट से भेज देता हूँ, ठीक है। स्पीड पोस्ट का फायदा यह है कि पेपर्स जो हैं वो प्रॉपर पहुंच जाते हैं। मेरे तो अभी तक पहुंचे, मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने 4 या 5 टाइम स्पीड पोस्ट यूज़ की यहाँ पे, तो मुझे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, मेरे टाइम पे पेपर पहुंच गया वहाँ पे। तो वन मोर थिंग, टूरिस्ट वीज़ा का ना एक और फायदा होता है, टूरिस्ट वीज़ा जो है ना बहुत जल्दी लगता है। मेरी वाइफ का विद इन अ वीक लग गया था, ठीक है, नॉट विद इन अ वीक, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, 4 डेज के अंदर लग गया था, वीक भी पूरा नहीं होता, ठीक है, तो 4 डेज के अंदर उनका टूरिस्ट वीज़ा लग गया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि COE से अच्छा है टूरिस्ट वीज़ा पे बुला के और उसके बाद डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर दो, ठीक है, जो इजी प्रोसेस है यहाँ पे और सबसे सबसे मतलब इजी तरीका है ये अपनी स्पाउस को यहाँ बुलाने का और डिपेंडेंट करने का।
ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी जो वीडियो है ये थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। क्या पता किसी की हेल्प हो जाए, कोई दे चाहता हो कि इस टॉपिक में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना, तो क्या पता उसे इस मेरे वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और मैं फिर बोलूँगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, मुझे DM कर दीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पे पेज है इंडियन कपल इन जापान। कभी कभार होता है मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, ठीक है। आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, मतलब कोरोना है उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ जॉब के पर्पज़ से। तो मेरे को टाइम बहुत कम मिलता है अपना ये सब ना चेक करने में। तो मेरे को लेकिन जितना टाइम मिलता है मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। मेरे फॉलोअर्स में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया होगा। थोड़ा सा हाँ एक आधे दिन का गैप आया था उसके लिए सॉरी, बट मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आप मैसेज करोगे मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं जरूर करूँगा रिप्लाई, ठीक है। और अगर जो न्यू है मेरे चैनल पर, प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड मैं जल्दी ही फिर से एक नए टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाय बाय एंड टेक केयर।